जी हाँ, बजट का इंतजार और इस बजट में काफी लोगों की बहुत कुछ उम्मीद थी, लेकिन आज के वीडियो में कुछ ऐसी चीज आपको बताने वाला हूं। निगेटिव तो काफी चीजों के मन में है, काफी लोगों को पता चलने वाला है कि निगेटिव चीजें क्या रही है, लेकिन उसमें से क्या पॉजिटिव चीजें आपको दिखाना बहुत जरूरी है, शायद इस वीडियो के लास्ट तक आपको पता चलने वाला है। जी हम टैक्सेशन की बात करेंगे, अपॉर्चुनिटी कहां है ये बात करने वाले हैं, और इंपॉर्टेंट ये है कि टैक्स में जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हुआ है, एक आम आदमी को कितना नुकसान हो सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो वीडियो का थंबनेल जो टाइटल है कि सर ये गिरावट इस बार ऐसी है ना, इस गिरावट में जल्दी पैसा लगाने से खुद को रोकना है। प्रूफ दिखाऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब डेटा को देख के कुछ चीजें, कुछ पॉजिटिव चीजें सामने आती है। ये सेंसेक्स निफ्टी 50 तो आप लोग देख लोगे, लेकिन इंपॉर्टेंट मेरे लिए डेटा पता है क्या है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट डेटा है सर FIIs और DIIs का। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है आपके सामने है कि सर हमारे मार्केट को बाहरी निवेशक और हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, कितना उन्होंने सेल किया, कितना बाई किया, क्योंकि इस पे डिपेंड करता है कल का मार्केट। कल का इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट हो सकता है। आज की बात करें, हमारे डोमेस्टिक ने 17,799 करोड़ अगर खरीदा है तो सर 16,380 बेच दिया। हमारे डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, 17,000 खरीदा, 16 बेच दिया है, नेट वैल्यू 1,418 करोड़। मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल वालों को आज भी बजट को लेके काफी उम्मीद है, ध्यान रखना ये चीज। ये डेटा पॉजिटिव है। निगेटिव क्या है जो चिंता का विषय बन सकता है कल के मार्केट को लेके, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इतिहास पिछले 10 बार में से 6 बार इतिहास क्यों खराब रहा है, कि बजट के दिन मार्केट गिरा है और मार्केट की रिकवरी समय हुआ है, तो अपने पैसे बचा के रखना। उसका सर रीजन बहुत बड़ा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर 14,000 करोड़ का शेयर्स खरीदे हैं लेकिन बेच दिए हैं 17,000 करोड़, माइनस जितना खरीदा उससे ज्यादा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने बेचा है। यह डेटा कल के लिए थोड़ा सा डरावना हो सकता है, क्योंकि अगर कल सेम सेलिंग हुई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के माध्यम से तो मार्केट में और ज्यादा गिरावट आ सकती है। हालांकि अगर बाकी चीज देखोगे ना, निफ्टी 50 ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, स्मॉल कैप की बात करें ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, मिड कैप की बात करें ज्यादा रिएक्शन नहीं आया। मतलब मार्केट को तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि चलो ठीक है यार, बजट तो इतना होगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करेंगे बजट में क्या क्या हुआ। सबसे पहले बात करते हैं सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% बढ़ा है सर, हमेशा 10% था, 20% बढ़ा दिया है। लॉन्ग टर्म की बात करें 12%। अच्छा, इसमें हमारे जेब से कितना नुकसान होगा मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा। तो जो लोग काफी परेशान हैं बहुत ज्यादा कि बहुत ज्यादा नुकसान होगा, कुछ लोग लग रहा है नुकसान नहीं होगा, उसका क्लेरिटी होने वाली है। और सर अभी पैसा कहां लगाना है, कौन सी कंपनियों में पैसा लगाना है, क्योंकि कहते हैं देखो हम सिंपल इन्वेस्टर हैं यार, पावर सेक्टर उठा, हमने पैसा लगाया, पैसे बनाए, सिंपल सी बात है, ध्यान रखना। उसके पहले तो हम SBI जैसे, HDFC जैसे, ICICI प्रूडेंशियल जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे, बिल्कुल करते थे। पावर सेक्टर आया, अपॉर्चुनिटी फंड आया, हमने निवेश किया, करेक्ट। एज ए निवेशक, एज ए इन्वेस्टर के दृष्टिकोण से आपको सोचना है। अब इंपॉर्टेंट सिंपल है भाई साहब, धारा जिधर बहती है नदी की ना, सिंपल सी बात है, आप आदमी को उधर बहना चाहिए। और जिस प्रकार से बजट आज आया है, ये इंपॉर्टेंट बजट आने वाले 10 महीनों तक बड़ा इंपैक्ट करने वाला है। तो इंपॉर्टेंट है कि आने वाले 10 महीने में कौन से म्यूचुअल फंड में एक नजर आप लगा सकते हो, ठीक है। तो वो म्यूचुअल फंड के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, कुछ चीजें आप समझ लो। मनरेगा 60,000 करोड़ से 80, ये डेटा है, केवल 2 मिनट में खत्म करने वाला हूं। रिसर्च डेवलपमेंट में 840 से 1200 करोड़ मिला है, सेमीकंडक्टर, सोलर में, एग्रीकल्चर सेक्टर इंपॉर्टेंट, अर्बन डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तो जो क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर, निपॉन इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लोगों ने निवेश किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। काफी कैपेक्स भी बहुत कुछ मिला है, देख सकते हैं। और अगर बात करें, कुछ लोग कह रहे थे सर मैं डिफेंस फंड में निवेश करके रखा हूं, क्या यहां से निकलना सही है। देखो मैं आप चीज क्लियर समझाना चाहता हूं, डिफेंस फंड से अगर आप निकलना चाह रहे हो तो एक डेटा छोटा समझोगे ना तो शायद नहीं निकलोगे। समझो, डिफेंस सेक्टर इनका जो कैपेक्स हुआ करता था लगभग 5.94 करोड़, ये बढ़ा के 6.21 लाख करोड़ हुआ है, अभी इंटरिम बजट की बात कर रहे हैं, और 6.21 लाख करोड़ से बस घटा के 4.54 किया गया है। इसके पीछे रीजन है, डिफेंस सेक्टर का कैपेक्स ऑलरेडी अच्छा खासा इनको मिला था
जो काफी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। देखो यहां पास इंपॉर्टेंट यह है कि आपके सारे सेक्टर को जब तक आप मिला के नहीं चलोगे अच्छा खासा रिटर्न आपको नहीं मिल सकता। 4.4 मिला है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो नहीं होना था, काफी लोगों को लग भी रहा है कि यार काफी लोग गुस्से में हैं, और गुस्से होने वाली बात है यार, सिंपल सी बात है। आप एसटीटी को लेकर टैक्स ले रहे हो, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्जेस ले रहे हो यार, 0.01 था अभी 0.02 है। ये चार्जेस आपने तब अप्लीकेबल किया जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं हुआ करता था। सोचो जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में ऑलरेडी आप टैक्स ले रहे हो, इंसान सैलरी ऑलरेडी दे रहा है, सैलरी में टैक्स दे रहा है, सर एसटीटी करने का क्या। सोचो हर ऑर्डर पे लगेगा ट्रांजेक्शन चार्ज यार, और सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन के नाम से आप कोई भी हेल्प नहीं कर रहे हो। सोचो आज किसी का पैसा लॉस हो जाता है, ज्यादा आपको ऑनलाइन आपको हेल्प नहीं मिलेगी अगर ड्यूरिंग ट्रांजिशन होता है, अगर एफएनओ वगैरह में सेगमेंट्स में करते हो तो नहीं मिलेगा, लेकिन तो भी सरकार यहां ले रही है, ये बहुत गलत है। और आप सिंपल सी बात है यार, जब आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आ गया तो उसको हटाओ ना, लेकिन नहीं साहब यहां तो इनको लेना है, तो जो बहुत गलत है। शॉर्ट टर्म की बात करें 20% कर दिया, जहां पहले 15% हुआ करता था 20% अभी कर दिया है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म 12%, तो ये 2.5% जो बढ़ा है, आप मैं आपको कैलकुलेशन दिखाना चाहूंगा 2.5% की कितना अंतर पड़ जाएगा। सपोज एक ध्यान से देखना, 10,000 प्रति महीने आप निवेश करते हो 20 सालों के लिए, 15% ROI है, आपने इन्वेस्ट किया 2,40,000 20 सालों में, एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल रही है 1,51,00,000, ठीक है 1,51,00,000 वैल्यू। कुछ लोगों को डाउट होता है कि सर जो पैसे मिलते हैं तो क्या पूरे पैसे मिलते हैं कट के मिलते हैं, सर आपको पूरे पैसे मिलेंगे ही, बस टैक्स आपको जमा करना होगा, ठीक है 1,51,00,000 मिल गया। अब इसमें गेन कितना हुआ, जब आप कैलकुलेटर यूज करोगे तो पता चलेगा 1,27,00,000 का गेन है, प्रॉफिट है, सरकार उसी से हड़प रही है 1,27,00,000, 1,00,000 यहां छूट मिल जाएगी। तो सर कितना, पहले की बात बताऊं, पहले 10% लगता था तो 12,65,000 का केवल टैक्स चुकाना पड़ता था, अब देखो कहानी अब 12.5% हो गया है, तो ये जो 12,65,000 पहले आपको टैक्स देना पड़ता था अब बढ़ के हो जाएगा 15,82,000, और ओवरऑल आपके जो जेब पे खर्चा एक्स्ट्रा होगा ना, जब भी आप लॉन्ग टर्म में पैसे निकालोगे 3,16,000। हालांकि रास्ते हैं, मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई है कि टैक्स कैसे बचा सकते हो, राइट वो वीडियो चेक कर लेना, तो ये टैक्स वगैरह ही बचा सकते हो। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या निकला, इंपॉर्टेंट फैक्टर निकला सर कि अब ऐसे मार्केट में कौन से बेहतरीन कुछ फंड्स हैं क्या जिसमें हम निवेश कर सकते। देखो यार पहले हम ऑलरेडी निवेश करते थे, कोई दिक्कत नहीं है, पावर सेक्टर में डरना नहीं, अगर पावर सेक्टर में आप निवेश कर रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पीएसयू में निवेश कर रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पावर सेक्टर को भी तो कैपेक्स मिला है ना, कोई चिंता की थोड़ी बात है कि नहीं करना है। यहां कोई पावर सेक्टर के कैपेक्स को आधार पे पावर सेक्टर गिरने नहीं वाला, क्लियर समझ लेना, सिंपल सी बात है। जिस सेक्टर को पैसा पहले कुछ सालों पहले नहीं मिला था, आज उस सेक्टर को पैसे अच्छे खासे दिए गए हैं, सिंपल सी बात है। अगर आप करोगे रूरल डेवलपमेंट को लेकर इतने पैसे क्यों मिले, सर रूरल डेवलपमेंट की अगर बात करोगे ना तो पिछले 2-3 साल पहले उनको मिले ही नहीं थे, लेकिन इस साल उनको दिया गया, कहीं ना कहीं उनको पता है कि भाई साहब सरकार बचानी है, क्लियर, ये तो क्लियर फैक्टर है। लेकिन हम इन्वेस्टर कहते हैं कि भाई मिट्टी से सोना निकालना है हमें, अब मिट्टी से सोना निकालने के लिए अभी नदी का बहाव जहां होगा हमें निवेश वहां करना ही करना पड़ेगा। अब बोलोगे सर नया फंड, भाई क्या करें, SBI का अपॉर्चुनिटी फंड आया आपने निवेश किया ना, HDFC का डिफेंस फंड का जो मोतीलाल ओसवाल आपने किया ना, तो डेफिनेटली यहां भी मौका है ना करने का, क्या दिक्कत है। कुछ इंपॉर्टेंट फंड्स मैंने रखा है, SBI कंजप्शन फंड 19% का रिटर्न, निपॉन इंडिया कंजप्शन फंड 16% का रिटर्न, ICICI पोटेंशियल भारत कंजप्शन 20% का रिटर्न इन लोगों ने दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए ये 1-2 फंड ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सरकार पैसे अभी उड़ेलेगी यहां, और आने वाले 10 महीना इंपॉर्टेंट फैक्टर बन सकता है, तो आने वाला 5-10 साल डेफिनेटली यहां आप निवेश कर सकते हो, थोड़े बहुत अपना पोर्टफोलियो को यहां और बैलेंस कर सकते हो, राइट। सो इंपॉर्टेंट आज की वीडियो में यही रहा कि सर मौका है और मौके के बाद थोड़ा सा निवेश करना है, लेकिन अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कैश बचा के रखो, क्यों, और DIs तो ठीक है लेकिन FIIs ने काफी पैसे निकाले हैं, तो आने वाले 2-3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसीलिए इन्वेस्ट करना तो बहुत आराम से इन्वेस्ट करना, राइट। स्वास्थ्य वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, दिल से लाइक करना, बाकी चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।